अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप लोग? आज फिर आपका एक एपिसोड में स्वागत है। आज हम लगाएंगे शोल्डर वर्कआउट, ठीक शोल्डर। मैं आपको दिखाऊंगा पांच टॉप फाइव एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ, सही तरीका बताऊंगा किस तरह से लगाने हैं और कितने रैप उसको लगाने हैं और किस तरह से उसको इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ रही देखते। सबसे पहली एक्सरसाइज हम लगाएंगे ओवर हेड प्रेस। अब इसको लगाने का सही तरीका क्या है देखो। सबसे पहले एक रोड लो, और रोड लो जो तुम्हारा ये शोल्डर वाला पार्ट है, इससे हल्का सा बाहर पकड़ो, इतना बाहर नहीं, हल्का सा। ओवर हेड लो, शोल्डर से हल्का सा वाइड। इसको लगाना है, अपने कमर टाइट रखो, पेट भी टाइट रखो, ठीक कोर टाइट। क्या गलती करते हैं जब रोड प्रेस करते हैं ऊपर को, तो ऊपर रोक लेते हैं, ऊपर नहीं रोकनी है एकदम। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए जैसे आपको 12 रैप लगाने का, तभी रोकनी है। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, कभी भी आप शोल्डर की एक्सरसाइज लगाओ तो अपनी कमर को इस तरह से रखो टाइट, गड्ढा बना के आप इस तरह रखोगे कमर को तो कभी चोट नहीं खाओगे, नहीं तो आपकी कमर में हमेशा चोट लगेगी अगर टाइट नहीं करोगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इसके आपको 3 सेट लगाने, 12, 10, 8 जो भी आप रेप लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर गेनिंग में हो तो। अगर रेप कर रहे हो तो 15, 16, 18 तक हो सकता है। चलो सेकेंड एक्सरसाइज आएंगे हम डंबल प्रेस, ठीक। और इसको कैसे लगाते हैं, देखो एक बात बताऊँ आपको, ये जो डंबल वाला सिरा है ना, ये वाला अंदर वाला, ये आपके इस शोल्डर के पास ही आना चाहिए, ना तो बाहर होना चाहिए ना ज़्यादा अंदर होना चाहिए, सिर्फ इस शोल्डर, ठीक है। और हमेशा ऊपर हाथ नहीं रखने एकदम, जब डंबल लगा रहे होते तो इस तरह से हाथ रखते, ऐसे नहीं रोकने, ठीक है। मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रोकने, एकदम जस्ट नीचे में लेके आना है, जब तक आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते। जैसे आपने 12 रैप का टारगेट बनाया, 12 रैप्स, तो वो 12 रैप्स लगाओ तभी रोकने की कोशिश करो। ये कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब तुम्हारा जो पूरा शोल्डर का शेप है ना, ये पूरा इसी से डेवलप होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों को ऐसे फेंकते हैं, ये गलत तरीका, जैसे ऐसे लगाते हैं ये भी गलत तरीका। इसमें क्या करते हैं, जो डंबल का वेट है वो अपने इस वाले पार्ट से उठाते हैं, ना कि हाथों से उठाते, ठीक। हाथ से झटका नहीं मारना, पूरा लोड कोनी से लेना और इसे शोल्डर से, तभी लोड अच्छा आएगा। चाहो तो डंबल ऐसे भी रख सकते हैं, आगे को भी ला सकते हैं, जैसा आपको बैठ गया। Thank you.
चल। नेक्स्ट एक्सरसाइज लाएंगे हम रियल डेल रेज। अब देखो इसको सही तरीके का लगाने का क्या, शुक्रिया यार। इसमें कमर अपनी टाइट रखना, ये जैसे तुम्हारा पार्ट है, तो ये तो तुम्हारा पार्ट है, ये इसको दबाना है इस तरह। लास्ट एक्सरसाइज आएंगे हम पांच एक्सरसाइज ही लगाओ अगर आप अपना शोल्डर गिरो करना चाहते हो, ठीक। और ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, डाइट प्रॉपर लो, प्रोटीन का रेशियो थोड़ा मेंटेन रखो अपना। बताऊँगा प्रोटीन कितनी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट कितने लेने और फैट कितना लेना है बॉडी को अगली वीडियो में, कटिंग के दौरान भी और गेनिंग के दौरान, ठीक। ऐसे ही वीडियो बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।